अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियां दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का हलवा। सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म दिल करता है कुछ खाया जाए, गर्म गर्म कोई चीज़ बने तो अच्छी लगती है। इस हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का हलवा, बहुत मज़े का बनता है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने एक पाव घी डाल दिया है। घी आप देख रही होंगी कि मेल्ट हो रहा है, मैंने लो फ्लेम रखा हुआ है और इस घी को हमने मेल्ट होने देना है। ये बेसन का हलवा इतना मज़े का बनता है कि आप इसको बनाकर फ्रिज में रखें, यह ख़राब नहीं होता। जब दिल करे चाय के साथ शाम को या कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको आराम से निकाल के गर्म करें और खाएं, बहुत मज़ा आता है। ये वाकई बहुत मज़े का बनता है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। आप देख रही होंगी कि घी मेल्ट होता जा रहा है। एक पाव मैंने घी के अंदर 2 कप मैंने बेसन के डाल दिए हैं। 1 पाव घी है और 2 कप बेसन है। बेसन को इसके अंदर मैं डाल दूंगी और इसको हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने अच्छी तरह से बेसन को लो फ्लेम पर भूनना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पर भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख रही होंगी इसका कलर चेंज हो रहा है। इस टाइम आकर मैं इसके अंदर 5 टेबलस्पून सूजी के डाल दूंगी। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको भी हमने अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट्स और भूनना है। इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसको और भूनेंगे। अगर आपको घी कम लग रहा होगा तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून और डाल सकती हैं। इसके अंदर मैं 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर है ये डाल दूंगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने अच्छी तरह से इसकी 5-6 मिनट भुनाई करनी है। हलवे को भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख रही होंगी इसका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम आकर मैं इसके अंदर चीनी का 1 कप डाल दूंगी। अगर आप आइसक्रीम शुगर डालना चाहती हैं, चीनी को ग्राइंड करके पीस कर डालना चाहती हैं, तो आप उस तरह भी डाल सकती हैं। अगर आपने इसी तरह ही डालनी है तो इस तरह भी डाल सकती हैं। चीनी को डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 गिलास, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को डालने के बाद 1 मिनट हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और भूनना है। 1 मिनट के बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल दूंगी। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पर अब हमने इसको पकाना है। जो पानी डाला है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और हलवे की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। इस टाइम आकर मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी के डाल दिए हैं, ये आप देख रही होंगी, ये देसी घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। हलवा घी छोड़ा है, ये देखें, जब इस तरह आप देखें कि हलवा घी अलग कर रहा है उस टाइम आकर इसके अंदर मैं थोड़े से नट्स वगैरह डालूंगी। ड्राई फ्रूट मैंने ये लिया है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, आपने जौन सा ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल सकती हैं। खजूरें हैं मेरे पास, 3 अदद मैंने खजूरें ली हैं, 2 अंजीर ली है, आपने जैसे डालना है और आप इसके अंदर डाल सकती हैं। जो कुछ आप डालना चाहती हैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं अपनी मर्जी से। हलवे की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। थोड़े से जो नट्स मैंने बचाए थे, जो मैंने ड्राई फ्रूट बचाया था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी।
ये बहुत मजे का हलवा बनता है। आपने और भी जो आपने डालना है ड्राई फ्रूट आप डाल सकती हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि बेसन का हलवा कितना मजे का बना है। इसको बनाकर आप फ्रिज में किसी ओवर टाइट डिब्बे में डालकर इसको फ्रिज में रख लें और जब दिल करे गर्म करके इसको खाएं। ये तकरीबन 4 से 5 दिन आराम से निकल जाता है, ये ख़राब नहीं होता। 4-5 दिन आप इसको रख सकती हैं फ्रिज में। ये बहुत मज़े का हलवा बनता है। इसको देखें मेरी वीडियो को और हलवा घर में भी बनाएं और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। इसके अंदर जितना आपने डालना है उतना आप डाल सकती हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कितना शानदार बेसन का हलवा तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। इसी रेसिपी के साथ आप घर में बनाएं, घर में बनाकर सबको खिलाएं। बहुत मज़े का बनता है बेसन का हलवा। सर्दियां हैं, सर्दियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख सकती हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन ये आराम से निकाल सकता है। आप मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।